पालमपुर उपमंडल के पंचायत द्रोगणु के गांव सुकैड़ी जीवन में दशकों से सड़क कच्ची और खराब होने से लोगों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव सुकैड़ी के लोगों ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि खराब सड़क और कच्ची सड़क को जल्द ठीक किया जाए, जिससे आए दिन जो उन्हें समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। पालमपुर उपमंडल के पंचायत द्रोगणु के गांव सुकैड़ी जीवन में दशकों से सड़क कच्ची और खराब होने से लोगों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गौर करने वाली बात ये भी है कि ये गांव शौर्य चक्र विजेता शहीद रविकांत का पैतृक गांव है। पालमपुर से नगरी बाया कंडी सुकैड़ी होते हुए मुख्य सड़क से इस गांव के लिए लिंक सड़क कटती है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर कच्ची पक्की है और उसके आगे लगभग 300 मीटर बिल्कुल कच्ची है। इस 300 मीटर कच्ची सड़क से आगे डंगे तो लगाए गए हैं, परंतु सड़क नहीं है। यहां से आगे लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए 1 से 2 किलोमीटर तक का सफर और करना पड़ता है। ऐसे में हर विभाग की चौखट खटखटा चुके क्षेत्रवासी दशकों से निराश और मजबूर हैं, और जब वर्षा होती है तो लोगों को काफी समस्या होती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे मुख्य मार्ग तक पहुंचाने के लिए उठा कर ले जाना पड़ता है। गांव सुकैड़ी के लोगों ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि खराब सड़क और कच्ची सड़क को जल्द ठीक किया जाए, जिससे आए दिन जो उन्हें समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। स्थानीय महिला मंडल की प्रधान रक्षा देवी ने कहा कि जहां आज के इस दौर में स्कूल की गाड़ियां बच्चों को घर से लाती और ले जाती हैं, हमारे लिए नन्हे बच्चों को सुबह और शाम को मुख्य सड़क तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा रोड कितने साल 15 साल से ऐसा ही है, जब से मेरी शादी हुई है मैंने ऐसे देखा इसको, और हमारे बच्चों को भी हमें भी बड़ों को भी बहुत समस्या है यहाँ पे आने जाने के लिए। 1 किलोमीटर का एरिया है जो अभी तक पक्का नहीं हुआ है, और बरसात के टाइम यहाँ पे नाले जो हैं वो उससे ना तो रोड में ऊपर गाड़ी आती है कोई, और ना ही हमारे बच्चों को जैसे आने जाने के लिए मुश्किल होती है। और मैं चाहती हूँ कि सीएम से हमारी ये बात पहुँचाई जाए, ताकि वो हमें देखें, हमारे इस गांव को देखें कि हमें यहाँ पे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और वो हमारे इस समस्या का समाधान करें। वहीं स्थानीय निवासी लता देवी ने कहा कि सड़क की समस्या को लेकर हर जगह बता चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क ठीक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि सड़क को जल्द ठीक करवाया जाए। जी, हम यही समस्या रखना चाहते हैं कि हमारा रोड जो है, आप हमारा यहाँ पे आके देखें रोड हमारा कितना खराब है। हम ये बोलना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द, हमने कितनी बार इसके लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम कभी पंचायत में कभी मुख्यमंत्री जो मतलब वोट लेने के लिए आते, जैसे ये हो गए बुटेल जी हो गए, कितनी बार उनको बोला, कोई कम से कम बहुत नहीं तो हमने 5-6 बार तो उनको बोल चुके हैं हम विधायकों को कि हमारा रोड ठीक करो। तो अभी आपके सामने ही आप देख लो, कोई जब वोट मांगने आते तब हम जी काम करेंगे और बाद में ना कोई काम है, आपके सामने ये देख लो रोड की हालात। तो हम मुख्यमंत्री से और विभाग से क्या मांग रहती है? हमारी मांग ये है कि हमारा रोड ये जो है आप देख रहे हो ये मतलब पक्का किया जाए रास्ता, और बस ये बोलना चाहते हैं कि आप मतलब इस रोड को पक्का कर दो बस। वहीं कार्तिक शर्मा और कश्मीर सिंह का कहना है कि खराब सड़क होने के कारण गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर कोई बीमार होता है तो उसे उठाकर ले जाना पड़ता है। इसके बारे में कई बार बात भी की गई, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि सड़क को जल्द ठीक करवाया जाए। मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। हमारी दिक्कत यहाँ पे सड़क की है, जो सुकैड़ी गांव में हम जा रहे हैं अभी, वहाँ पे सड़क जो है पूरी तरह से नहीं हुआ है, यहाँ पे बुरे हालत है सड़क की, तो जो गाड़ी है वो इससे आगे नहीं जा पाएगी, तो अब हम गाड़ी यहीं पे खड़ी करके जाएंगे। हालांकि इसमें बरसात के मौसम में तो गाड़ी यहाँ पे भी नहीं पहुँचती है, नीचे सड़क पे ही रह जाती है, मेन मार्ग पे ही, तो इसके आगे अब हम पैदल ही जाएंगे। और यही है कि हमारी मुख्यमंत्री जी से ये दरख्वास्त भी है कि वो जल्द इस सड़क को बनाएं, ताकि यहाँ पे लोगों को जो है दिक्कत कम हो। मेरी मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, पक्का किया जाए, ताकि बरसात के दिनों या बरसात ऋतु जब भी होती है, इस रोड का इतना बुरा हाल होता है कि यहाँ भी गाड़ियाँ चलनी तो बेकार, आदमी चल नहीं सकता है। हमें कोई भी समस्या होती तो यहाँ से अगर मरीज भी है तो उठा के ले जाना पड़ता है मेन रोड तक, जो 1 किलोमीटर में थोड़ा सा पक्का भी हुआ है, आधा किलोमीटर, वो भी लगभग 10 साल हो गए उसको पक्के हुए, तो उसका भी उसके बाद विभाग ने कोई वो नहीं अनदेखी कही।
जब भी हम विभाग के पास जाते हैं तो विभाग बोलता है हमारे पास बजट नहीं है, या फिर वो विभाग टालने वाली बात करता है। तो आपकी यहाँ मुख्यमंत्री से क्या मांग रहती है? हमारी मेन मांग यही है कि यहाँ इस रोड को, जो कि यहाँ आपने इसका वो जायजा भी लिया है, देखा भी है कि यहाँ रोड की क्या इसमें भी क्या हालत है, तो इसको जल्दी से जल्दी पक्का करवा के ताकि हमारी गांव वालों की समस्या का हल हो सके। वही जब इस बारे में विधायक आशीष बुटेल से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत के कार्य को अवार्ड कर दिया गया है और गर्मियों में सड़क की टायरिंग की जाएगी।